किचन में जो प्रोफाइल लाइट लगता है, ये कैसे लगता है और कितना कॉस्ट आता है, पूरा डिटेल अभी मैं बताने वाला हूँ और लगा के दिखाने वाला हूँ। पहले तो आपको ये प्रोफाइल पट्टी लगेगा। ये प्रोफाइल पट्टी का साइज मैं बताता हूँ। एक इंच है ये, कंसील कंसील प्रोफाइल पट्टी है। इसका साइज 1 इंच का आता है। कटिंग करने के लिए आपको, लकड़ी में अगर लगा रहे हो तो कटिंग करने के लिए 20 mm कटिंग करना रहता है और 10 mm डीप कटिंग करना रहता है। अभी मैं साइज दिखाता हूँ पूरा। ये हो गया आपको कटिंग का, कटिंग वाले एरिया का है, ये 20 mm का है और ऊपर ऊपर ये 1 इंच है। इसका डीप 10 mm है। 10 mm कटिंग करा रहे हो तो परफेक्ट बैठ जाएगा। यहाँ पे पहले से ही मैं लगा रखा हूँ ये पट्टी। यहाँ पे कटिंग किया हुआ था ऊपर, और यहाँ पे स्क्रू से, ज़्यादा स्क्रू नहीं लगाना है और छोटा स्क्रू लगाना रहता है। बड़ा स्क्रू लगाएंगे तो और एलईडी लगाने के बाद एलईडी ऊपर ऊपर आ जाता है। ये देखो, ये अपना किचन है। पहले तो एलईडी लगाने के लिए एक चौक लगेगा। ये चौक है, माइनस प्लस चौक पे लिखा रहता है। इनपुट रहेगा जहाँ पे मेन लाइन आएगा वहाँ पे 240 वोल्ट लिखा रहेगा और आउटपुट एरिया में 12 वोल्ट लिखा रहेगा। ये माइनस प्लस का है, ये आउटपुट है जहाँ पे एलईडी लगेगा। माइनस प्लस देख के लगाना रहता है एलईडी का और चौक का। यहाँ पे अब एलईडी लगाएंगे माइनस प्लस देखने के, माइनस प्लस देख करके एलईडी लगाना रहता है, नहीं तो चालू नहीं होगा। ये है एलईडी, 240 एलईडी लगता है। 240 मतलब 240 एलईडी रहते हैं 1 मीटर के अंदर अंदर। इसमें अलग अलग एलईडी आते हैं लेकिन प्रोफाइल के लिए 240 ही लगाते हैं। 240 लगाने से डॉट डॉट बाहर नहीं दिखता है। कोई दूसरा लगाए तो डॉट डॉट ज़्यादा दूर पे एलईडी का स्पॉट रहेगा तो डॉट डॉट दिखने लगता है। ये माइनस प्लस देख के यहाँ पे अच्छे से लगा लेना है। और जब भी किचन में वायरिंग कर रहे हो ऐसा लाइट का, तो वायरिंग ऐसा करो कि बाद में वायर अंदर जा सके, जैसे धक्का मारने के बाद वायर अंदर जा सके, नहीं तो किचन में वायर गंदा दिखता है। और चौक तो कहीं और रखो, क्योंकि नीचे चौक लगाने पे और गंदा दिखने लगता है। हमने चौक इसके लिए ऊपर रखा है कैबिनेट के ऊपर, और वहाँ से 2 वायर यहाँ लाया हूँ आउटपुट से लगा के, और आपस ये ऊपर चला जाएगा वायर, साइड में कट करके लाया हुआ है। और वायर पट्टी के अंदर से ही निकालना रहता है, पूरा फिनिशिंग में ऐसे दिखेगा। ये देखो, सारे वायर अंदर चले गए। हमने वैसे ही प्रोविजन कर रखा है कि वायर अंदर चले जाएं। अब सिंपल सा है, उसके बाद आपको ये टेप निकाल के चिपका देना है इसके ऊपर। इसमें गम रहता है पहले से ही, 2 वे टेप लगा रहता है एलईडी स्ट्रिप में। ये देखो, साइड से कुछ भी नहीं दिख रहा है बिल्कुल। अभी इसको ऐसे ही प्रेस कर देना है थोड़ा थोड़ा। एलईडी का कलर 3 कलर, बहुत सारे कलर आता है, लेकिन ये शायद वॉम वाइट है, नेचुरल वाइट है। नेचुरल है या वॉम है देखना पड़ेगा। ये देखो, इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देना है। और एलईडी का क्वालिटी अच्छा नहीं रहा तो ये टेप निकल भी जाता है। थोड़ा अच्छे क्वालिटी का ही एलईडी स्ट्रिप जब भी खरीदो तो ख़रीदना चाहिए। लो क्वालिटी वाले का टेप अच्छा नहीं रहता है। इसका कट करने का भी एक अलग ही जगह पे रहता है, मार्किंग रहता है, वहाँ से ही कट करते हैं। ऐसा नहीं कहीं से भी कट कर दी। अभी दिखाता हूँ कैसे कट करना।
ये जो येलो वाला एरिया दिख रहा है ना कॉपर का, जहाँ जहाँ पे वैसा कॉपर का मार्किंग रहता है वहीं से कट होता है ये। दूसरे जगह से कट नहीं करना है, दूसरे जगह से कट करेंगे तो फिर जहाँ से वो, जहाँ पे उसका वो डॉट वाला रहेगा पीला वाला, वहीं से चालू होगा, बीच का नहीं चलेगा। ऐसे ख़राब नहीं होता है कट करने से, प्रॉपर अच्छे से कट करके यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके ऊपर एक कवर आएगा इसका, इसमें व्हाइट कवर भी आता है, हम ब्लैक लगाने वाले हैं। ये देखो ये ब्लैक कवर है, ब्लैक कवर इधर थोड़ा शो के लिए अच्छा चाहिए था, इसके लिए ब्लैक कवर लगा रहा हूँ। ब्लैक से थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा कम होता है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। ये देखो अभी लगा के दिखाता हूँ पूरा लगने के बाद, ये देखो कैसा दिख रहा है। आपको सेलिंग में लाइट का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, किचन में सेलिंग के लाइट का प्रोफाइल लगा दिए तो। इधर भी लाइट है, कंप्लीट। इधर भी सेम ही लाइट लगाया हुआ है, ये बीच में कटिंग किया हुआ है, वहाँ पे ओवन आने वाला है और एक चिमनी बीच में आने वाला है। ये देखो इसका कॉस्ट या किचन के आपको 3,000 से 4,000 के अंडर आ जाएगा, अलग अलग एरिया पे अलग अलग रेट रहते हैं।